साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। समय के साथ जिस तरह कई बार समाज में कुछ कमियां घर कर जाती हैं, वैसे ही लोकतंत्र के सामने भी समय समय पर चुनौतियां आती रही हैं। इन कमियों को दूर करते रहना, खुद को परिष्कृत करते रहना भारतीय लोकतंत्र की खूबी है और इसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया है। एकाध दो अफवाह छोड़ दें तो हमारे यहां लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहास इसलिए हमारा भी एक दायित्व है कि अपने प्रयासों से हम लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करते रहे। आज जो भी चुनौतियां हमारे लोकतंत्र के सामने हैं, समय के साथ जो भी कमियां घर कर गई हैं, उन्हें दूर करते हुए हम आगे बढ़े, ये लोकतंत्र की भी इससे हमसे अपेक्षा है और देश की भी हम सभी से अपेक्षा है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध करने के संकल्प को दोहराने का भी एक बेहतरीन अवसर है। हमारे भारत में विभिन्न विचारों, विभिन्न परंपराओं का समावेश होता रहा है और हमारा लोकतंत्र हमें ये बात सिखाता है कि कोई एक विचार ही उत्तम हो ये जरूरी नहीं है। हम तो उस सभ्यता से पले बड़े हैं जिसमें कहा जाता है, आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वतः, यानी हर तरफ से नेक विचार हमारे पास आए। हमारा लोकतंत्र हमें प्रेरणा देता है नवीनता को स्वीकारने की, नए विचारों को स्वीकारने की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले लोगों को लोकतंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे। विचारों को लेकर सहमति असहमति हो सकती है, अलग अलग राजनीतिक धाराएं हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबका ध्येय एक ही होता है, देश का विकास। इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, उनके योगदान तक सीमित नहीं है। ये हर विषम परिस्थितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फूले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है।